नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। मिस्र के अलनकाब शहर की सुरक्षा चौकी पर आतंकी हमला, 8 पुलिसकर्मियों की मौत, 2 हमलावरों को किया ढेर। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। इस्तांबुल के नाइट क्लब में फायरिंग करने वाले 2 हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमले में 2 भारतीय समेत 39 लोगों की गई थी जान। सांता क्लॉज की ड्रेस में आए थे हमलावर। स्विट्जरलैंड के दावोस में आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का होगा आगाज। भारत समेत 100 से ज्यादा मुल्कों के 3000 प्रतिनिधि बैठक में लेंगे हिस्सा। पैनलिस्ट देशों के भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम और भारत की नोटबंदी पर होगी चर्चा। म्यांमार के राखिने में पुलिस ने 5 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। मोंगडो के सीमावर्ती चौकियों पर घातक हथियारों से किया था हमला। मामले में उपराष्ट्रपति यू मयंत स्वे ने 3 सदस्यीय जांच समिति का किया गठन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से कनाडा का शेयर बाजार लुढ़का। 0.12% की कमजोरी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। ट्रंप ने अमेरिका में आयोजित वाहनों पर 35% कर लगाने की कही थी बात। नहीं रहे आखिरी बार चंद्रमा की फतह पर वॉक करने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री यूजीन सरनन। 82 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। रिटायर्ड नौसेना अधिकारी थे यूजीन। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।